यूपी के हापुड़ में छेड़छाड़ की घटना का एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। तो यहाँ क्या करना है, होटल में ले जाता है यार। छेड़छाड़ का यह वीडियो यूपी के हापुड़ का है। ये वीडियो करीब 2 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसमें खुद को समाज का ठेकेदार बताने वाले मनचले एक जोड़े के साथ छेड़खानी और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। लड़का और लड़की दोनों गिड़गिड़ा रहे हैं, खुद को छोड़ने की मिन्नत कर रहे हैं, फोन पर अपने घर वालों से बात कराने को भी कह रहे हैं, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा। इनका इरादा तो खुद लड़की के साथ छेड़खानी का था। इनमें से कुछ लड़कों ने तो लड़की के साथ छेड़खानी भी की, एक ने तो लड़की को थप्पड़ भी मारा। इतना ही नहीं, इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया और करीब 2 महीने बाद इसे वायरल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। इलाहाबाद में LLB के छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मुन्ना सिंह चौहान ने ही सबसे पहले छात्र पर रॉड से हमला किया था। बाकी आरोपियों की भी शिनाख्त हो गई है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। शनिवार की रात कटरा बाजार के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र दिलीप सरोज के कुछ लोगों से कहा सुनी हो गई, जिसके बाद बदमाशों ने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मारपीट की ये पूरी घटना वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई। हैरानी की बात यह है कि जब ये गुंडे दिलीप सरोज को पीट रहे थे, उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। सरोज को बचाने के बदले वो इस घटना का वीडियो बनाते रहे। इलाहाबाद की इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि BJP राज में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मुन्ना चौहान है जो कि उस होटल का वेटर है, जिसने रॉड से दिलीप सरोज को मारा था, जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया था। और इसमें बाकी के जो अक्यूज है, विजय शंकर सिंह है, एक जो TT है गाजीपुर में कार्यरत रेलवेज के अंदर, और बाकी दो अभी तक अनआइडेंटिफाइड हैं जो उसके साथी हैं, उनकी भी उन तीनों की हम लोग तलाश कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द करेंगे। आगरा में गुंडों ने होटल में घुसकर एक युवक से जमकर मारपीट की। आगरा के शाहदरा चुंगी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ बदमाश होटल में घुस आए और खाना खा रहे एक युवक की पिटाई शुरू कर दी। जब होटल के कर्मचारी बीच बचाव में उतरे तो उनके साथ भी मारपीट की। इससे भी दिल नहीं भरा तो होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। होटल कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दी और जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, बदमाश युवक मौके से फरार हो गए। कस्टमर खाना खा रहे थे जी, और दूसरे कस्टमर आए, उन्होंने झगड़ा किया आपस में, बीच बचाव किया तो सामान की तोड़फोड़ कर दी, मारपीट कर दी। हरियाणा की मशहूर लोक गायिका और डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में एक बार फिर हंगामा हुआ। कानपुर में सपना चौधरी के कार्यक्रम में भीड़ ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। दरअसल टिकट और पास वालों को ही अंदर जाने की इजाजत थी। बाहर जब ज्यादा भीड़ हुई तो लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की। इस दौरान भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हंगामे की वजह से पहले तो कार्यक्रम कुछ देर के लिए टालना पड़ा, लेकिन लाठीचार्ज और हंगामा बढ़ने के बाद इसे खत्म कर दिया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त हंगामा मच गया जब पुलिस वालों ने 2 युवकों को पकड़कर बीच चौराहे पर पिटाई शुरू कर दी। दोनों युवक रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन पुलिस वाले उन्हें पीटते रहे। मामले ने तुल तब पकड़ा जब पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इलाके के आला अफसर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं और जांच की बात कह रहे हैं। ये सब चीजें इसमें देखना पड़ेगी कि क्या है, मतलब उसको एक सिर्फ वीडियो के आधार पर अपन पूरा इसका डिस्क्रिप्शन या किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसके आगे पीछे के सारे बिंदु भी एक बार चेक करके फिर बताएंगे। वीडियो की जांच करके इस वीडियो को 4 दिन पहले पुलिस और ऑटो ड्राइवर के बीच हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 युवकों ने मामूली विवाद में बस ड्राइवर और होटल कर्मचारी की पिटाई कर दी। यूपी रोडवेज की एक बस यात्रियों को खाना खिलाने के लिए मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके के होटल पर रुकी। इस दौरान टिकट को लेकर बस के ड्राइवर और कंडक्टर से 3 युवकों का झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते तीनों युवक लाठी डंडों से ड्राइवर और कंडक्टर को पीटने लगे। बीच बचाव के लिए आए होटल कर्मचारी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने होटल में भी तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचे पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। तीनों खुद को सेना के सिपाही बता रहे हैं। मारपीट करने वाले 3 लोग थे और जो आर्मी पर्सन है उसने फोन करके तो गांव के अपने भाइयों को 2 और बुलवा लिए, परिवार के लोगों को। उन्होंने आके बस के ड्राइवर के साथ मारपीट की और होटल के कर्मी को भी चोट लगी है और दोनों तरफ से इनके